लैपटॉप की स्कीम टिप टॉप नहीं है, रिपोर्ट पर भी पीटीआई का यू टर्न आ चुका है। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं लैपटॉप स्कीम में किसी को क्लीन चिट नहीं दी, करप्शन छुपकर की गई, कागजात से सबूत मिटाए गए। हमने महकमाना रिपोर्ट दी, करप्शन की तहकीक नैक कर रहा है, अंदरूनी कहानी नैक जांच पड़ताल के बाद सबके सामने लाएगा। आता पंजाब असम्बली में सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लैपटॉप स्कीम से मुतालिक हुकूमती जवाब आज तक के हकाइक के मुताबिक हैं, हकाइक के मुताबिक ही महकमे ने आगाह किया, जवाब से मुतमईन हूँ। एज ऑफ टुडे वो ये कह रहा है कि किसी को पकड़ा नहीं गया, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, अगर कल सामने आएगी तो नैब लेके आएगा। हमने असेंबली में जो जवाब देना होता है वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आज के फैक्ट्स ये हैं कि अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, ठीक है, और अभी तक कोई इम्प्लीकेट नहीं हुआ। सूबाई वजीर का कहना था कि असेंबली में पूछे गए सवाल पर महकमे ने ब्लैक एंड वाइट में जवाब देना होता है, नैब का ख्याल है कि कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए वो तहकीकात कर रही है। डिपार्टमेंट ने जो बयान देना है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में और जो हकायक उसके पास एज ऑफ टुडे मौजूद हैं उसके हिसाब से देना है, ना ही डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो किसी को कहे कि ये बिल्कुल क्लीन शीट हमने दे दी है, ना ही इल्ज़ाम लगाना हमारा काम है। हमारा काम ये है कि मुतलका एजेंसियों को कहें कि तहकीकात करें। यासिर हुमायूं ने मजीद कहा कि आने वाले कल को अगर तहकीकात के बाद कोई पकड़ में आता है तो मुलजिम मुजरिम हो जाता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इखलाक अहमद बाजवा के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।